विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति में उथल फुथल होनी शुरू हो गई है। 18 अगस्त को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 अगस्त को रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। हुड्डा की परिवर्तन रैली पर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि लगता है कि हुड्डा जी हृदय परिवर्तन करेंगे। मैं तो सोचता हूँ हुड्डा जी का हृदय परिवर्तन होगा और वो तंवर जी को नेता मान लेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने प्रदेश में संभावित गठबंधन पर भी कटाक्ष किया। महागठबंधन की वो लोग बात करते हैं जिनके घर में गठबंधन नहीं है, महागठबंधन की वो लोग बात करते हैं जिनकी पार्टी में गठबंधन नहीं है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है? तो ये हृदय परिवर्तन हो तो बहुत अच्छा। चुनाव में कुछ ही वक्त बचे हैं, ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हर हाल में सत्ता में वापसी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से आपसी खींचतान मची है उससे तो उनकी राह मुश्किल नजर आ रही है। R9 TV के लिए रोहतक से अंकुर की रिपोर्ट।